ग्रुप शिष्य मंडल द्वारा अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर महाआरती और झंडा यात्रा उत्सव मनाया गया। दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर से एक शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा पवई धाम पहुंची। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही यहां पर महाआरती की गई, जिसमें पवई, अमरपुर और आसपास के इलाकों के श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हुए। गौरतलब है कि पवई धाम में दक्षिण मुखी हनुमान का चमत्कारी मंदिर है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर श्रद्धालु जो भी मांगते हैं भगवान हनुमान उसे पूरा करते हैं। लगभग 38 साल से यहाँ पर हर साल यज्ञ हो रहा है। हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी 5 पीढ़ियां गुजर गई, उनको यह दिन सौभाग्य नहीं हुआ। हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि आज का दिन हम ये सब लोग देख पा रहे हैं। इसलिए हम तो केवल एक ही बात बोलेंगे, एक से एक झांकियां बनती है हमारे यहाँ, और सभी लोगों का बहुत बहुत सहयोग रहता है हमारे यहाँ क्षेत्रवासी। भगवान लोगों की परेशानी दूर करते हैं, एक से एक मनोकामना पूरी होती है। शनिवार मंगलवार एक से एक मनोकामना, एक से एक भंडारे यहाँ होते हैं, आते हैं, लोगों की मनोकामना होती है पूरी। कुछ नहीं, यहाँ एक नारियल रखने से लोगों की जिंदगी बदल जाती है। क्या नाम आपका? बुल्ली बाबा। ठीक भाई सर, जो राम प्राण प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या में, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा पवई धाम परिवार आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता है। और हमारे पवई धाम में अनेक अनुष्ठान होते हैं, लेकिन यह अनुष्ठान जो हुआ है हमें बड़ा खुशी हर्ष का विषय है कि हमारे पवई धाम में हमारे पूरे कार्यकर्ता और हमारे पवई धाम के सभी पूरे क्षेत्र के क्षेत्रवासियों ने यहाँ आकर भगवान श्री राम की जो शोभा यात्रा निकाली गई उसमें सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। जय पवई धाम। जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।